अपने दोस्त को याद कर रही हैं आप शायद। खो गई ना तो हमारी पूछ मिल जाती है हम लोग। क्योंकि मोस्टली एक्टर्स होते हैं, उनको लगता है कि अरे अरे अच्छा ये तो न्यू है, हमसे बड़ा कौन। तो एक बार मैंने अमिताभ बच्चन सर का एक इंटरव्यू देखा था तो उन्होंने बोला था आज भी जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मुझे उतना डर लगता है, मतलब मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कैसा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। आप फिर खो गई। फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, आई स्वेयर मैं साफ दिल से बोला, देयर इज नो फ्लर्ट ब्रो। हाय इट्स मी नमीश तनेजा एंड आई एम भाविका चौधरी। यू आर वाचिंग अस ऑन देसी फीड चैनल। स्वागत है आप लोगों का देसी फीड चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यू आल्सो लुक वेरी ब्यूटीफुल। यू हैव ब्यूटीफुल फेस। आईज आल्सो। बोल ना पूरा अच्छे से करता रही हूं। आईज आल्सो। स्माइल आल्सो। स्माइल आल्सो। नाइस। यू जस्ट नीड वेकेशन। सी आई एम अ पार्ट टाइम एस्ट्रोलॉजर। आई डू फेस रीडिंग आल्सो। वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक खाने के लिए से भी पैसा आए बना लेना चाहिए। ओके तो मैत्री के बारे में बात करते हैं। यस ऑब्वियसली काफी अच्छा प्रोमो देखने का अलग लग रहा है। जेन्युइनली टेल मी यू रियली लाइक द प्रोमो या नहीं? अगर नहीं भी लगा तो आप बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अलग है ना थोड़ा आज का लग रहा है क्या? हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और मैंने देखी है। सी आई टेल यू मैत्री की स्टोरी जो मैंने अपनी रियल लाइफ में देखी तभी मैं इस शो को करने के लिए रेडी हुआ। सो मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जैसे नंदिनी और मैत्री। हमारे बीच में एक लड़का और था जो हमारा वो भी फ्रेंड था हमारा। हम चार दोस्तों का ग्रुप था, हम दो लड़के और दो लड़कियाँ, हम ग्रुप थे, हम सारे फ्रेंड थे। तो उसमें एक बंदे ने हमसे कुछ सीक्रेट्स लिए, उसमें नमक मिर्च जोड़ के आगे बताया, ठीक है। और जो मैत्री और नंदिनी जो मेरे घर में, उनके बीच में बहुत बड़ी दरार आ गई और हमें लगा ही नहीं कि वो उस लड़के ने बोला होगा। तो ऐसे भी दरार होती है। फिर बाद में उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग थी कि उन दोनों ने क्लियर किया और आज दे आर स्टिल टुगेदर। वही होना चाहिए दोस्ती में भी कि अगर आप भी ऐसा होगा अच्छे दोस्त हैं तो पहले ही, मतलब अगर आपके बीच में ऐसे डिस्प्यूट आ रहा है तो पहले ही बात करके उसे ख़त्म कर दीजिए, रादर देन कि अपने अंदर रख कर उसको पाल कर फिर एक दिन ब्लास्ट होके कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपके वन पर्सन इन योर लाइफ जो जिससे आप खुल के बात कर सकते हो, ठीक है, दैट्स कॉल्ड मैत्री। दोस्ती आपकी एक दोस्ती आपके पापा के साथ भी हो सकती है, आपकी माँ के साथ में हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है, किसी के भी साथ में हो सकती है। एक दोस्ती द कॉन्सेप्ट नेम इज फ्रेंडशिप मैत्री। तो हम वही बता रहे हैं कि वी ऑल नीड वन पर्सन इन योर लाइफ टू सपोर्ट यू इन एनी सिचुएशन। करेक्ट। इवन इफ यू आर रॉन्ग दे विल सपोर्ट यू द वे यू वांट, द राइट वे यू वांट। खो गई। अपने दोस्त को याद कर रही हैं आप शायद। खो गई ना तो दोस्त की याद आती है। मेरी आंखें हैं। अरे यार ओके कान आ गए मेरे अंदर। यस वापस इस पे आते हैं। तो यार काफी अच्छा है लेकिन किरदार के बारे में बात कर रहे हैं तो कैसा किरदार है आप लोगों को? आपको काफी समय के बाद हम वापस देखेंगे कि आप ज्यादा एक्साइटेड हैं कौन सा किरदार है? यार डेढ़ दो साल बाद आया हूँ। एक डेढ़ साल तो मैंने जान के नहीं किया, मैं एक्सप्लोर कर रहा था लाइफ में, दोस्तों को, लाइफ को। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए इन डेढ़ दो साल में। देखा मैंने पहले मेरे खाली को एक्टर्स और ऐसे फील्ड से रिलेटेड ही फ्रेंड थे, बट बाद में मैंने एक लड़का है वो ड्राइवर है उसको भी फ्रेंड बनाया, एक इंजीनियर है उसको फ्रेंड बनाया, यू नो। मैं गार्ड, मेरे घर के नीचे जो गार्ड है उसके साथ मैं 2 घंटा गाड़ी में बैठ के उससे बातें की। तो मैंने इतना एक्सप्लोर किया 2 साल में, ओनली टू अपडेट माई सेल्फ। जैसे आईफोन, जैसे फ़ोन्स अपडेट होते हैं, वैसे मुझे अपडेट करना था अपनी ऑडियंस को वापस, कुछ तो दो नया, वरना कितना टाइम सेम करता रहूँगा। सो वो किया 2 साल में। और अबाउट द कैरेक्टर आशीष, आशीष एक फैमिली मैन है और जो हर किसी से प्यार करता है, चीज़ों को समझता है, सही गलत में डिफरेंस समझता है, बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही रिश्तों को समझने वाला, प्रेजेंट में जीने वाला लड़का है। तो मुझे बहुत लगा कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है इस शो के अंदर। सॉरी नहीं, इट्स ओके। तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी ये शो के अंदर और इस कैरेक्टर के अंदर। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये कैरेक्टर मेरे फ्यूचर को जस्टिस देगा, मेरे फैंस को जस्टिस देगा, तो मुझे ये शो करना चाहिए। मुझे जब नरेट करी गई स्टोरी तो मुझे काफ़ी यूनिक लगी, कुछ डिफरेंट था और रिलेटेबिलिटी थी। मतलब कि ये ऐसी स्टोरी है कि नॉर्मल ऑडियंस जो है वो काफ़ी कनेक्ट कर सकती हैं हमारे मैत्री को देखकर। और जो नंदिनी का किरदार है वो काफ़ी ग्लैमरस है, स्ट्रॉन्ग हेडेड है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो मैं रियल ज़िंदगी में भी हूँ। मैं देखती नहीं हूँ कि कहाँ किसको क्या बोलना है, सीधे बोल देती हूँ। और फिर और बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ, इधर नहीं बोलना चाहिए। हाँ शूट पे ही हो गया था एक्चुअली। तो हाँ, तो बाद में इतनी अच्छी कि बाद में वापस पूछने आई थी। हाँ, फिर मैं पूछने आई कि मतलब तेरा मतलब हाँ ऐसा कुछ हो गया था कि इसने कुछ बोला और मैंने दिल पे ले लिया। फिर मैं उसको पूरा दिन सोचती रही। उसके बाद मैंने कहा कि नहीं यार, इसको जाके मैं पूछती हूँ कि भाई क्या मतलब था तेरा। तो इसने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया। उसके बाद से ही हम दोनों का मैंने इसको बताया कि मेरे वर्ड्स हो सकते हैं कि सही नहीं मैच हुए, बट मेरी फीलिंग गलत नहीं थी। द प्लस पॉइंट इज कि उसको मेरी फीलिंग समझ में आई। तो उसके बाद ही लाइक हम लोग का इतना अच्छा, आशीष और मेरा नंदिनी का इतना अच्छा बॉन्ड हुआ। और इवन रियल लाइफ में भी मतलब दैट्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। दोस्ती एक ऐसी है कि अगर हम नहीं भी बोलेंगे तो एक्सप्रेशन में दूसरे को समझ जाएंगे। अवतार देखिए सेम हमारी पूछ मिल जाती है, हम लोग एक दूसरे को समझ। अबे यार ओके, ऑब्वियसली भी कंटेंट आपकी काफी अच्छी लगी। हां, लेकिन पोस्ट के बारे में बात की जाए तो पोस्ट आप लोगों ने किसको देखा, क्या इंप्रेशन पड़ा, क्या आपने ऑनेस्ट आंसर? मुझे तो था कि नमिश काफ़ी काम कर चुका है और मैंने ससुरराग्नि में देखा है, तो मैंने सोचा कि इसके पास तो काफ़ी एटीट्यूड होगा, क्योंकि मोस्टली एक्टर्स होते हैं उनको लगता है कि अरे अच्छा ये तो न्यू है, हमसे बड़ा कौन। तो मुझे ऐसी फीलिंग थी, मैं साथ में नर्वस भी थी, बट मैं ऐसा शो कर रही थी कि हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीक है तुम होंगे। बट जब मैं गई तो इतने डाउन टू अर्थ, इतने स्वीट, इवन नमिश ही नहीं मैत्री भी अपनी श्रीनू काफ़ी स्वीट एंड डाउन टू अर्थ। और मेरे लिए पर्सनली तो मेरा जेन्युइनली ऐसे ध्यान नहीं गया था, बिकॉज जैसे मैं आज भी डरता हूँ कोई भी सीन आता है ना, भले ही एक्सपीरियंस है बट स्टिल आई फील न्यू टू द इंडस्ट्री, बिकॉज अभी ऐसा भी कुछ मतलब अच्छे शोज़ किए, सब कुछ है, नाम हो गया है, नाम घर गाड़ी सब आ गई है, बट जब भी मैं कोई भी नया सीन करता हूँ तो मुझे आज भी डर लगता है। और एक बार मैंने अमिताभ बच्चन सर का एक इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने बोला था आज भी जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मुझे उतना डर लगता है। और जब जब मैंने ये बात किसी को बताई है कि मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ मुझे डर लगता है, तो दे सेड इट्स गुड फॉर यू। सो वो एक्साइटमेंट आपके अंदर है, वो नर्वसनेस होनी चाहिए। मोटिवेशन मुझे भी मिल रही है इनसे, क्योंकि मैं भी बहुत सोचती हूँ और मुझे भी लगता है कि यार ये काफ़ी काम कर चुके हैं, इनको सब आता है, मैं क्या करूँगी ये वो। सो बट मतलब मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कैसा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। आई कीप ट्राइंग एवरी डे माय बेस्ट लेवल बेस्ट। फिर मैं सही डायरेक्शन में मैं सही। और इनसे मिलके जेन्युइनली बहुत ही अच्छी फीलिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग। आप खो गई आप फिर खो गई नमिश, क्या है तुम्हारी आंखों में ऐसा? यू आर वेरी गुड लिसनर। यार मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आई स्वेयर मैं साफ दिल से बोल रहा हूँ, देयर इज नो फ्लर्ट ब्रो। नहीं यार, पता क्या होता है आजकल ना, आप किसी को ना अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको मतलब क्या पता सामने वाला कुछ गलत वे में ले ले। बट आई एम अ गाय हु अप्रिशिएट, बट सामने वाला उसको किसी और चीज़ में ले ले। इस समय कॉम्प्लीमेंट, आप प्लीज टेक इट एन कॉम्प्लीमेंट। आई एम नॉट फ्लर्टी गाय। यार प्लीज बहुत ही अच्छा सेगमेंट था। फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, अभी फिनिश नहीं हुआ सेगमेंट नहीं था, अच्छा इंटरव्यू था, सॉरी। तो हाँ क्या ये वाला कट कर देना अच्छा गाइज, प्लीज़ डू वॉच आवर शो। हमने बड़े ही प्यार और लगन मेहनत से बनाया है, अपना पूरा इनपुट दिया है इस शो के लिए। और प्लीज़ सपोर्टर्स, लवर्स, मैत्री आएगा जी टीवी पर 7 फरवरी से हर शाम 7 बजे। सो प्लीज़ डू वॉच, तुम बोलो, प्लीज़ देखिए हमारा शो। और जैसे मेरे पुराने शोज़ को इतना प्यार दिया, इस शो को भी प्लीज़ उतना ही प्यार देना और कोशिश करना कि ज़्यादा प्यार देना। और हमारे जितने भी प्रोमोशन सबको शेयर वेयर करते रहना इंस्टाग्राम पे, और अपनी फैमिली को, फ्रेंड को दिखाना। और ऐसे प्यार करते रहो, हमारे इस शो को भी हिट कर दो प्लीज़। थैंक यू सो मच।